सो आज तो रोही आपको बहुत डांट पड़ने वाली बॉस, बहुत डांट पड़ने वाली। क्यों लेट हो गई तुम, ऑडियंस को बताओ क्यों लेट हो गई? सॉरी सर, प्लीज मुंबई का ट्रैफिक आपको तो पता ही है, प्लीज सॉरी आगे से नहीं होगा। सो मुंबई का ट्रैफिक यानी कि तुम्हारे लिए ही है। चलो बैठो यहाँ पे बैठो, कम ऑन। सो रोही जी, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। ये जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, क्या मैं बताऊँ आपको? जी प्लीज। देखो मुझे लगता है ना कि मुंबई के बारे में जो ऑडियंस है उनको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि उनको कुछ समझ आ सके। कई सारे लोग तो मुंबई पहुंच ही नहीं पाते, राइट? जी जी। तो मेरे पास एक आइडिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। ऑडियंस नमस्कार, एंड मैं रूही से मिलाना चाहता हूँ। इनका नाम है रूही और ये मेरे सेक्रेटरी हैं। सो रूही, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जो आप थैंक यू सो मच जो आप यू नो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रही हैं। सो रूही, क्यों ना आज ऑडियंस को हम लोग जो शाहरुख खान है, जो किंग बादशाह, राइट, उनका घर दिखाएं, ताकि ऑडियंस को उससे इंस्पिरेशन मिले, उससे कुछ मोटिवेशन मिले कि बॉस यू नो हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो चलें, चलो पीछे क्यों रहेगी, आ जाओ। तो देखो मेरी बात सुनो, गाड़ी तुम चलाओगी, ओके? गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा सर, प्लीज मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, प्लीज आप ही चलाएंगे, मुझसे अच्छी ड्राइविंग आप करते। पक्का? हाँ जी। तो रूही तो कह रही है कि गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ, ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें को ड्राइवर का रोल प्ले करना है। ऑलराइट, चलो मुझे एक बात बताओ, कितने बजे सोते हो तुम रात को? कितने बजे सोते हो, 10 बजे, 11 बजे या पूरी रात जगते हो? 2 बजे सोते हो, लेकिन कल सुबह सुबह 10 बजे से पहले तुम्हें ऑफिस आ जाना है। आ जाओगे कि नहीं आओगे? पक्का आ जाओगे? चलो ऑल द बेस्ट। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मन्नत के लिए, राइट रोही? रोही सो गई क्या तुम? नहीं मैं नहीं सोई। सो गई तो तुम्हारी मम्मी से कम्प्लेन होगी, ओके? पक्का? पक्का। अच्छा रोही, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर मैं ऑफिस आवर में जब तुम कोई काम नहीं कर पाती हो सही से, क्लाइंट से मीटिंग नहीं करा पाती हो, और तुम्हें मैं डांटता हूँ, हाँ। तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? देखो, क्योंकि आज दोपहर में तुम्हें डांट पड़ी थी जब हम मीटिंग कर रहे थे, हाँ। सच बताओ बुरा लगता है क्या? मुझे तुम्हें डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए? नहीं, गलती पे तो जरूर डांटना चाहिए। ओके, ये लाइन दोबारा तुम्हें बोलना पड़ेगा, ऑडियंस के सामने बोलना पड़ेगा। बताओ तुम्हें डांट, हाँ बोलो। गलती पे तो जरूर डांटना चाहिए, गलती पे डांटना चाहिए, उसी से इंसान सीखता है। वेरी, बहुत ऑनेस्ट हो यार तुम, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ना डांटूं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, वर्कलोड होता है यार, यू नो वर्कलोड होता है, वर्क का प्रेशर होता है, एंड तुम्हें पता है कि टारगेट्स एंड मीटिंग्स एंड अवार्ड शो एंड यू नो सॉन्ग रिकॉर्डिंग, इस सब में इतना समय लग जाता है ना कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है शाम तक, है ना? सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, बांद्रा में एंटर हो चुके हैं, और आगे से हमें राइट लेना है, एंड उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे कहाँ पे? मन्नत। तो शाहरुख खान के घर के पीछे ये बहुत फेमस एक चर्च है, माउंट मैरी, और रूही की डिमांड पे हमें यहाँ रुकना पड़ा। रूही प्रे कर रही है, एंड आई होप रूही, आर यू डन? जी हाँ सर। चलें जी, चले। कम। सो रूही ने अभी प्रे कर लिया, एंड मुझे लगता है कि बहुत कुछ मांगा होगा हम सब के लिए, स्पेशली जो हमें देख पा रहे हैं। सो लेट्स गो इन द कार, कम ऑन। सुरोही ये सामने बंगलो है, तो कार से बाहर चलें, क्या बोलना चाहती हो? चलिए सर, चलिए, मैं तो रेडी हूं। रेडी हो? सुरोही कैसा है ना कि अभी नाइट हो गया है और वीडियो क्लिप अच्छा शूट नहीं हो पा रहा है, सो जो हमारे एडिटर हैं उनको बोल देना कल सुबह यहाँ पे आएंगे और एक वीडियो शूट करके हमारे व्यूअर्स के लिए उसको ऐड कर देंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपने अपने घर जाते हैं। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा 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 हमेशा, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हमेशा हमेशा हमेशा।